हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है लगभग 35,010 पे, लगभग 80 पॉइंट लॉस के साथ। तो चलो शुरू करते हैं वीकली चार्ट से। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो इस वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है लगभग 1% नीचे, 360 पॉइंट लॉस के साथ। यहाँ हमने हाई देखा था 35,555 के अराउंड, लो था लगभग 34,890 के अराउंड। तो हम करंटली ट्रेड कर रहे हैं लो के अराउंड। और यहाँ अगर चार्ट पे देखोगे तो लास्ट वीक हमने लगभग 1% का लॉस देखा था, इस वीक उस लॉस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ क्लियरली रिजेक्शन दिख रहा है, ऊपर के जो 20 और 50 वीक का जो एवरेज था वो क्लियरली सेलिंग प्रेशर बिल्डअप कर रहा है मार्केट पे। और यहाँ हम अभी धीरे धीरे, शायद मुझे लगता है कि मीडियम टू लॉन्गर टर्म में 33,800 और 31,000 के लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहला टारगेट यहाँ रहेगा 33,700 का, उसके नीचे ब्रेक करता है तो 31,000 के आपको लेवल जो है तो बैंक निफ्टी में आते हुए दिखेंगे। और यहाँ क्लियरली लोअर टॉप लोअर बॉटम का साइकिल शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पहला टॉप बना था, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा टॉप है। और यहाँ बैंक निफ्टी जो है तो एज एक्सपेक्टेड धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ऊपर के लेवल जो है तो आपको अगर ऊपर आता ही बाउंस बैक आता है बैंक निफ्टी में तो आपको सेलिंग करनी है लगभग 35,800-900 के अराउंड। और यही जो ये ब्लू लाइन दिख रही है ये इस वीकली चार्ट पे स्ट्रांग वॉल्यूम या फिर मेजर प्राइस एक्शन लेवल है। अगर इस लेवल पे आता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से आपको एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो यहाँ अगर बैंक निफ्टी किसी कारणवश बाउंस बैक में आता है तो यहाँ एक परफेक्ट शॉट बनेगा जिसका टारगेट रहेगा मीडियम टर्म टारगेट 33,700 का। ये टारगेट आने के लिए हफ्ते से लेकर महीने लग सकते हैं, 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट पे आप देखोगे हमने 200 डेज का जो एवरेज था वहाँ से रिजेक्शन लिया, एक बड़ी सी कैंडल बनी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस कैंडल का है हम पार कर पाएंगे ऊपर जो है तो 35,900 उसका ट्राई करने के लिए जा सकता है, मगर आपको जो है तो 900 के अराउंड फिर से रिजेक्शन देखने को मिलेगा। या हमने अभी पिवट की तरफ है, अगर इसके नीचे स्लिप करते हैं तो हम पूरे महीने के लिए डाउन ट्रेंड में चले जाएंगे और जिसका फाइनल टारगेट रहेगा 31,500 के अराउंड। यहाँ नीचे पहला टारगेट रहेगा 33,700 जो हमने वीकली चार्ट पे भी देखा, उसके बाद में 32,800 और लास्ट में 31,500 का टारगेट बैंक निफ्टी दिखा सकता है। करेंटली हम लगभग सभी एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं और 20 डेज का जो एवरेज है उसके अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ एक ट्राई कर सकता है मार्केट ऊपर के लेवल पे आता है तो ऊपर आने की, क्योंकि यहाँ जो है तो इंडिकेटर बुलिश है तो यहाँ ऊपर आने की कोशिश बिल्कुल कर सकता है मार्केट, मगर ये लेवल के अराउंड आता है तो यहाँ परफेक्ट शॉट बनेगा जिसका मेरा पहला टारगेट रहेगा 33,700 का। तो 35,900 के अराउंड आता है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है लगभग 36,300 का और आपका मीडियम टर्म टारगेट रहेगा 33,700 और जो फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा 31,000 या फिर 31,500 के अराउंड आपको जो है तो मीडियम टू लॉन्गर टर्म टारगेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ क्लियरली ये बाउंस बैक था और ये फिर से मार्केट जो है तो रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी शॉर्ट टर्म वो सेल ऑन राइज ही रहेगी विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। वोलेटिलिटी यहाँ पीक पे रहेगी, आपको दोनों तरफ के मूव देखने को मिलेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट तो रिकवरी रैलीज आएंगी और फिर से मार्केट जो है तो रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा, ब्रेक करने की कोशिश करेगा। यहाँ जो है तो आवरली चार्ट पे अभी देखते हैं तो आवरली चार्ट पे आप देख सकते हैं हमने 200 आवर का एवरेज तोड़ने की कोशिश की थी, वहाँ से फिर से रिजेक्शन आया है, फिर से शार्प सेल ऑफ आया है आज और फिर से हम जो है तो लो के करीब ही बंद हुए हैं। इस वीक का जो लो है उसके अराउंड ही हम क्लोजिंग दिए। यहाँ नीचे की तरफ जो है तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन है ये मेजर वॉल्यूम का सपोर्ट है, तो ये है लगभग 34,500 के अराउंड। अगर कल मार्केट 34,500 के अराउंड आता है तो आपको बाइंग करनी है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये कॉन्ट्रा व्यू है क्योंकि यहाँ से आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी जो 35,200 से लेकर 300 की तरफ लेकर जाएगी, तो वहाँ से आपको 700-800 पॉइंट की रैली मिल सकती है। यहाँ अगर आता है या इसके नीचे आता है तो एक 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है बैंक निफ्टी में और लॉन्ग व्यू रहना है। अगर मार्केट ऊपर आता है तो मैं फिर से 35,300-400 के अराउंड शॉर्ट जाना चाहूँगा। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 600 के ऊपर रहेगा, टारगेट रहेगा 34,500 का। तो दोनों तरफ के आपको ट्रेड देखने को मिल सकते हैं, अगर ऊपर खुलता है तो शॉर्ट करेंगे
नीचे खुलता है तो बाय करेंगे स्टॉप लॉस स्ट्रिक स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि वोलेटिलिटी पीक पे है, तो जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनके लिए सलाह रहेगी वेट एंड वॉच, जो जो रिस्क ले सकते हैं वो आप वही ट्रेडर जो है तो इस व्यू को फॉलो करें। ऑप्शन ट्रेडर के लिए सेम, आपको जो मंथली ऑप्शन है उस पर फोकस करना है, अगर नीचे आता है तो हमारा फोकस रहेगा 34,500 का कॉल ऑप्शन मंथली एक्सपायरी का, अगर ऊपर आता है तो हमारा फोकस रहेगा 35,300 का पुट ऑप्शन ऑफ मंथली एक्सपायरी, ये दोनों में भी हमें ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। और आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको प्रीमियम कॉल चाहिए मेरे तो मेरी सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।